गुड मॉर्निंग एवरी वन देखिए वी हैव रिलीज आवर न्यू बुक इनडायरेक्ट टैक्स लॉस की जो कॉम्प्रीहेंसिव बुक है दैट हैज बीन रिलीज जो कि एप्लीकेबल है मे ट्वेंटी फोर एग्जाम्स के लिए अब द न्यू सिलेबस अपना इफेक्टिव हो गया है मे ट्वेंटी फोर के हिसाब से मे ट्वेंटी फोर से इंस्टीट्यूट ने बताया ये जो इनडायरेक्ट टैक्स लॉस की जो कॉम्प्रीहेंसिव बुक है बेसिकली ये एज पर न्यू सिलेबस ही बनाई गई है द एंटायर कंटेंट जो उसका है वो इंस्टीट्यूट ने जो सिलेबस डिजाइन किया है उसके हिसाब से बनाया गया है तो आपके द अमेंडमेंट्स विच आर देयर अप टू थर्टी फर्स्ट ऑफ अक्टूबर ठीक है ट्वेंटी थ्री वो सारे के सारे अमेंडमेंट्स इसमें क्या है इनकॉर्पोरेट किए गए हैं बेसिकली जो सी जी एस टी अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटी थ्री है और आई जी एस टी अमेंडमेंट एक्ट ट्वेंटी थ्री जो फर्स्ट अक्टूबर से प्रभावी हुआ वो सारे अमेंडमेंट्स क्या है इसके अंदर कंटेंड है कंटेंट आप देख सकते हैं पहला जैसे था ना अपना पहला चैप्टर पहले हुआ करता था इंट्रोडक्शन वो अब इंट्रोडक्शन इंस्टीट्यूट ने बोल दिया कि भाई दिस विल बी गिवन इन दी एन एक्स पार्ट तो ये सप्लाई अंडर जीएसटी से अपना पहला चैप्टर चालू हुआ है एस जैसे इंस्टीट्यूट ने मटेरियल डिजाइन किया हुआ है टोटल सिमिलर बेसिस पे वी हैव डिजाइन द बुक और सारे के सारे अमेंडमेंट्स इसके अंदर क्या है इनकॉर्पोरेट किए गए हैं जैसे इंस्टीट्यूट ने कल सप्लीमेंट रिलीज किया था अब आप देखिए जो इंस्टीट्यूट का जो सप्लीमेंट है उसके अंदर इन्होंने बोला कि भाई जो जो अमेंडमेंट्स हैं स्टेटवेरी अपडेट मे 24 का अब जैसे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स सबसे मेजर अमेंडमेंट शेड्यूल जो आपके नेगेटिव लिस्ट है शेड्यूल थ्री के अंदर एंट्री सिक्स में आया पहले ये था कि भाई एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन बैटिंग गैम्बलिंग एंड लॉटरी ये सब सीजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट से प्रभावी हुए हैं तो एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन नाउ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स क्या है जीएसटी के एमबिट में नहीं आते यानी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स आर कवर्ड अंडर द एमबिट ऑफ जीएसटी जिसमें बैटिंग गैम्बलिंग कैसेनोज हॉर्स रेसिंग ये सब आ गया तो ये जो अपना है बेसिकली ये कहाँ है चैप्टर टू के अंदर कवर्ड है जैसे ये आ गया आपके और एवरी अमेंडमें चैप्टर टू खोला है मैंने अपने बुक का तो सारे जो अमेंडमेंट्स हैं जैसे अब ये शेड्यूल थ्री खोल दिया वहां का और भाई स्पेसिफाइड एक्सनेबल क्लेम्स क्या हैं और ये क्या हैं दे विल वैसे ही जितने इंस्टीट्यूट ने सारे के सारे अमेंडमेंट दिए हैं वो अपने बुक के अंदर ऑलरेडी कवर्ड है तो लोग कह रहे थे वेदर योर बुक कंटेन ऑल दमेंडमेंट और नॉट ये जितने भी क्लैरिफिकेशन हैं टैक्सेबिलिटी ऑफ शेयर हेल्ड इन अब्सिडी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी वो बी जैसे सर्कुलर्स हैं, नोटिकेशन हैं, वो सब के सब यहाँ पे क्या है ऑलरेडी दे कवर्ड इन आवर बुक तो फंडामेंटली सारे अमेंडमेंट्स इसके अंदर क्या है कवर हो रहे हैं और जो सी जी एस टी अमेंडमेंट एक्ट है उसके और जो अदर अमेंडमेंट्स हैं वो भी क्या है आप जैसे ये सी जी एस टी अमेंडमेंट एक्ट से सप्लायर की डेफिनेशन में अमेंडमेंट आ गया वो आपको अलग से दिख जाएगा दैट विल बी गिवन इन बोल्ड सेपरेटली विजिबल स्पेसिफाइड एक्सबल क्लेम्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है ऑनलाइन गेमिंग क्या है ऑनलाइन मनी गेमिंग क्या है दीज अमेंडमेंट्स ईच एंड एवरी अमेंडमेंट हैज बीन इनकॉर्पोटेड एक चैप्टर से आपको पता चल रहा है सप्लाई वाला जो फर्स्ट चैप्टर है उससे ही आपको पता चल जाएगा की आवर बुक कंटेन्स ऑल दमेंडमेंट देर ऑज क्वेश्चन अमंगज द स्टूडेंट की कई लोगों ने तो बुक पहले ही रिलीज कर दी थी साहब अगस्त में सेप्टेम्बर में तो भाई सीधी सी बात है योर वी विल रिलीज द बुक ओनली वेन आवर बुक इज टोटली अपडेटेड एंड इट कंटेन्समेंडमेंट्स विच आर एप्लीकेबल फॉर मे ट्वेंटी फोर एग्जामिनेशन उसके पहले तो हो नहीं सकता अगर सत्ताइस दस को सर्कुलर आ रहे हैं नोटिकेशन आ रहे हैं तो वो तो आपको उसके अंदर करना ही करना है इन कॉरपोरेट तो वो सारे अमेंडमेंट्स यहां पर क्या है दे है बीन जैसे आपके वैल्युएशन है तो वैल्युएशन के अंदर अब कॉरपोरेट गारंटीज के रिलेशन में अलग से वैल्युएशन रूल्स आ गए कैसीनोस ऑनलाइन गेमिंग ये सब चीजें अलग से आ गई तो दीज अमेंडमेंट हैबीन से सब जगह प्रॉपरली हैबीन से इनकॉर्पोरेटेड वो सारी चीजें क्या है इनकॉर्पोरेट होकर आई है जैसे अब आपके जो शेड्यूल आ गया फिर ये जो अपन सर्कुलर्स की बात कर रहे हैं क्लैरिफिकेशन की बात कर रहे हैं अलग से आपको क्या है ये दिख जाएगा दे विल बी सीन सेपरेटली हेयर तो जितने भी सर्कुलर्स हैं नोटिकेशन हैं अब जैसे ये था एक्टिविटी ऑफ होल्डिंग शेयर्स बाय होल्डिंग कंपनी ऑफ द सब्सिडी कंपनी सत्रह सात का ये अमेंडमेंट है दैट इज बीन सेपरेटली यू विल बी फाइंडिंग द सेम इन और बोल्ड एंड सेपरेट उसका प्रिंट अपने को मतलब दे रखा है कि बच्चे को तुरंत तो पता चल जाए कि ये अमेंडमेंट है जैसे अब आपके सपोज कीजिए चार्ज में चार्जिंग सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट आ गए जो डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स है वैसे तो क्या है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैं और जो सर्विसेज uh, गवर्नमेंट देती है दे आर वॉट चार्जेबल टू टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरेटरी जो सर्विसेज दे रही है दे आर चार्जेबल टू टैक्स अंडर से रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म परंतु मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इंडियन रेलवेज वाली बात इन्होंने कर दी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज़ ठीक है रेलवेज एंड इंडियन रेलवेज ये अमेंडमेंट आया है वो आपके फॉरवर्ड चार्ज के तहत ही क्या होगा चार्जेबल टू टैक्स होगा सिमिलरली जैसे आपके अमेंडमेंट्स इन्होंने दे रखे हैं वो जो

और ये आपके टेबल के अंदर ऊपर से भी रिफ्लेक्ट करते हुआ दिख जाएगा वेयर सप्लाई ऑफ गुड्स इज मेड टू अ पर्सन अदर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन तो कैसे उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई की डिटर्मिनेशन होगी इसी हिसाब से कोल cool लोडर्स के रिलेशन में एडवर्टाइजिंग सर्विसेज के रिलेशन में दे हैव इशूड दी सर्कुलर्स तो फिर उन सर्कुलर्स को भी रेलिवेंट प्लेसेस पर इंकॉर्प्रेट किया गया है इसी हिसाब से देखिए आप वैल्यूएशन वाला चैप्टर देखो वैल्यूएशन के अंदर ये कॉर्पोरेट गारंटीज़ का नया रूल आ गया ट्वेंटी एट रूल ट्वेंटी एट सब रूल टू उसके अलावा उसका पूरा एक डिटेल्ड सर्कुलर आ गया पर्सनल गारंटी और कॉरपोरेट गारंटी के अंदर जीएसटी की लाइब्रेटी अराइज होगी या नहीं होगी कैसे उनका वैल्यूएशन होगा तो दिस डिटेल्ड सर्कुलर तो तो बीन इशूड दिसकुलर ट्वेंटी अक्टूबर तो ऑल दी अमेंडमेंट्स दे हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक बुक पूरी अपडेटेड है इकतीस अक्टूबर तक के जितने अमेंडमेंट्स एग्जाम के लिए एप्लीकेबल हैं दे हैव बीन इंक्लूडेड इन आवर बुक ऐसे कस्टम्स के अंदर भी जो भी छोटे मोटे अमेंडमेंट्स हैं दे है बीन इनकॉर्पोरेटेड तो आप इसको अच्छे से करिए एंड स्टूडेंट डायरेक्टली कह रहे हैं कि कंपाइलर कर लें क्या डायरेक्टली कंपाइलर मत करें पहले पूरी एक बार कॉम्प्रीहेंसिव बुक से अंडरस्टैंडिंग करें उसके बाद आप क्या है कंपाइलर पे जाए डायरेक्ट समरी पे जाओगे भैया समरी तो बात के लिए होती है समरी बात के लिए होती है तुरंत समरी पर मत जाइए क्योंकि अगर आप समरी पढ़ोगे तो वहाँ लिख के क्या होगे बेसिक चीज ये हो जाती है समरी की भी आजकल समरी बन जाती है उसको मत कीजिए पहले आप सही से पढ़ाई कीजिए एक एक जो नए क्वेश्चन इसके रिलेशन में इनकॉर्पोरेट हुए हैं वो करें फिर आप जाएं कंपाइलर पे और फिर जाएं आप उसके हिसाब से करें यही बुक का ई बुक वर्जन भी अवेलेबल है जिसको फिजिकल नहीं पढ़ना वो ई बुक फॉर्म में भी पढ़ सकता है एवरी थिंग विच एज बीन देयर इन दिस बुक इज कवर्ड इन आवर ई बुक जो कि आप क्या है मोबाइल पे भी चला सकते हो अपने आईपैड पे और आपके टैब पे और आपके लैपटॉप पे बिल्कुल इजीली आप उसको रन कर सकते हो और अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को तो उसका प्रिंट निकालना है तो वो भी हम स्पेसिफिक परमिशन से आपको प्रिंट अलाउ कर देंगे ठीक है तो जिस बच्चे को ई बुक खरीदनी है वो ई बुक खरीदे फिजिकल बुक खरीदे फिजिकल बुक खरीदे खरीद कंपाइलर की भी ई बुक विल बी लॉन्च विद इन से वीक और उसके बाद उसका फिजिकल फॉर्म हम लोग लॉन्च करेंगे तो ये एक इंफॉर्मेशन थी फॉर द स्टूडेंट्स हुर अपियरिंग इन मे ट्वेंटी फोर एग्जामिनेशन लॉट ऑफ क्वेरीज कैरीज देयर रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट्स बिकॉज कई लोगों ने तो बहुत चीजें पुरानी पड़ी हुई हैं तो वो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया सत्तर पेज का इंस्टीट्यूट का जो सप्लीमेंट है मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स हैव बीन से कवर्ड इन आवर बुक सो यू कैन बाय द बुक फ्रॉम आवर ऐप ठीक है ऐप से आप हमारी बुक को परचेज कर सकते हैं एंड यू के विल पास द एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स थैंक यू